दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के साथ कुछ इशू है, इसलिए बोनस पार्ट सेकंड चैनल पे आएगी और इस पे ऑफिशियल पार्ट ही आएगी। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ली याओ अपने स्पेशल अटैक को एक्टिवेट करता है। उसका बॉडी ट्रांसफॉर्म होकर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसका आँख लाल हो जाता है। फिर वो लुओ फेंग पे अटैक करता है। उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसके आगे आने वाली बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन लुओ फेंग फ्लाइंग नाइफ से शील्ड बनाकर उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर ली याओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो खुद लुओ फेंग को मारने के लिए नीचे आता है। और इस बार वो लुओ फेंग को इतना पावरफुल पंच मारता है कि लुओ फेंग दो तीन बिल्डिंग को क्रॉस करते हुए काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन ली याओ का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। वो दोबारा लुओ फेंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वो अपने स्वॉर्ड से लुओ फेंग पे अटैक करता है और ये काफी पावरफुल स्वॉर्ड होती है, यहाँ तक कि उस स्वॉर्ड से एक बिल्डिंग टूटकर नीचे गिर जाती है। और इस अटैक से लुओ फेंग काफी बुरी तरह घायल हो गया था, वो ब्लड वोमिट कर रहा था। और अब ली याओ काफी फास्ट मूव करके लुओ फेंग को काफी बुरी तरह पीटता है। ली याओ ब्रेक थ्रू करके लुओ फेंग को काफी जोरदार टक्कर दे रहा था और लुओ फेंग काफी बुरी तरह घायल होने के कारण उससे लगातार पीट रहा था। लेकिन अब लुओ फेंग पूरे एक बिल्डिंग को ली याओ के डायरेक्शन में अटैक करता है और साथ में वो अपने सभी फ्लाइंग नाइफ को कम्बाइन करके उस पर अटैक करता है, जिससे ली याओ की हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो जाती है और वो अपने रेड स्पाइक से लुओ फेंग पे अटैक करता है। लुओ फेंग उसके रेड स्पाइक से तो बच जाता है, लेकिन काफी ज्यादा घायल होने के कारण खुद को काफी कमजोर महसूस करता है। और इधर ली याओ विनैना के डेथ को याद करके काफी गुस्से से कहता है, लुओ फेंग तुम कितना भी पावरफुल शील्ड यूज कर लो, लेकिन आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। और वो फिर से एक पावरफुल टेक्निक बनाने लगता है। ये देखकर एल्डर याराओ और इंस्पेक्टर व्लादिमीर काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि लुओ फेंग इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद भी लुओ फेंग से अकेले ही फाइट कर रहा था। और अब लुओ फेंग फ्लाइंग नाइफ के फर्स्ट फॉर्म ड्रिलिंग कोन के फॉर्मेशन को बनाता है। इधर ली याओ भी लुओ फेंग पे अटैक करने के लिए एक पावरफुल फॉर्मेशन को बना रहा था। और अब वो दोनों अपने फॉर्मेशन से एक दूसरे पे अटैक करते हैं। और क्योंकि ली याओ वार गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था, इसलिए वो खुद को काफी ज्यादा पावरफुल समझ रहा था और लुओ फेंग के इस वीपन को मामूली सा वीपन समझ रहा था। दोनों अपने फॉर्मेशन पे और भी ज्यादा एनर्जी लगाते हैं और ड्रिलिंग कोन ली याओ के बॉडी को ड्रिल करते हुए बाहर निकल जाती है। ये देखकर एल्डर याराओ और इंस्पेक्टर व्लादिमीर शॉक हो जाते हैं और कंट्रोल रूम में भी लुओ फेंग के इस अटैक को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। एल्डर ईस्ट लुओ फेंग पे गुस्सा होते हैं और एल्डर यानहाय तो इस सोच में ही पड़ जाते हैं कि लुओ फेंग के पास इतना पावरफुल वेपन कैसे आया। और उनमें से कुछ मेंबर इस वेपन के बारे में ही सोचने लगते हैं कि आखिर ये किस टाइप की वेपन है। फिर हम देखते हैं एल्डर याराओ की फाइटर प्लेन ली याओ और लुओ फेंग के पास पहुंचती है। ये देखकर ली याओ मरते मरते साथ में लुओ फेंग को भी मारना चाहता था, इसलिए वो खुद लुओ फेंग को साथ लेकर उस फाइटर प्लेन से टकराने जाता है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं। तभी वहाँ काफी पावरफुल एक्सप्लोजन होता है और इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट काफी दूर तक होता है। कंट्रोल रूम में भी इस एक्सप्लोजन को देखकर सभी हैरान होते हैं और जैसे उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट कम होता है, इंस्पेक्टर व्लादिमीर और एल्डर याराओ बाहर आते हैं। फिर हमें पता चलता है लुओ फेंग फ्लाइंग नाइफ के फॉर्मेशन का यूज करके एक शील्ड बना लिया था और अब लुओ फेंग सेफ है। ये जानकर लीडर होंग भी मुस्कुराते हैं और वो सभी मेंबर इस वेपन की खासियत को देखकर और भी ज्यादा लालची होते हैं। तभी लीडर होंग एल्डर याराओ को ऑर्डर देते हैं कि फौरन लुओ फेंग को हेडक्वार्टर में लाओ। फिर सीन चेंज होता है हेडक्वार्टर में और हम देखते हैं एल्डर याराओ और इंस्पेक्टर व्लादिमीर लुओ फेंग को लेकर आते हैं। और जैसे लुओ फेंग अंदर आता है तो कुछ मेंबर लुओ फेंग को काफी बुरी नजर से देखते हैं, लेकिन लुओ फेंग उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करता है और वो आगे जाने लगता है। तभी अचानक उसे काफी तेज दर्द होती है। एल्डर याराओ और इंस्पेक्टर व्लादिमीर लुओ फेंग की मदद करने के लिए आगे आते हैं। लुओ फेंग कहता है ऐसा लग रहा है कि फाइट के दौरान उसकी कुछ पावर उसके हेड में चली गई है, इसलिए उसे काफी तेज दर्द हो रही है। तभी वहाँ लीडर होंग आते हैं। लीडर होंग को देखकर वो सभी मेंबर अलर्ट हो जाते हैं। लीडर होंग कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सिर्फ 10 सालों में कोई अब्राहम के फैमिली के एक्सीडेंट को भूल सकता है, यानी कि वो एहन के बारे में ही बात कर रहे हैं। मैंने बोनस पार्ट में पहले ही बता दिया था। फिर वो बताते हैं कि वो और ली शेन यानी थोर दोनों मिलकर ही वॉर गॉड पैलेस को बनाए हैं ताकि वो ह्यूमन एलाइट को प्रोटेक्ट कर सके। और अभी समुद्र में इंसानों से ज्यादा मॉन्स्टर मौजूद हैं और दो एम्परर लेवल के मॉन्स्टर भी मौजूद हैं और उनकी पावर इतना ज्यादा है कि वो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और वो सिर्फ लीडर होंग और ली सेन के डर के वजह से ही वो बाहर नहीं निकलते हैं। फिर वो बताते हैं कि ह्यूमन यूनिटी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है और कोई भी इस यूनिटी को तोड़ने की कोशिश करेगा उसका अंजाम एहन जैसा होगा। ये सुनकर सभी मेंबर अपना सर नीचे कर लेते हैं। फिर लीडर होंग अपनी बात खत्म करते हैं और लुओ फेंग से कहते हैं लुओ फेंग तुम मेरे साथ आओ। फिर लुओ फेंग लीडर होंग और ली सेन एक पर्सनल रूम में जाने लगते हैं। एल्डर यानहाय ये देखकर काफी जेलस फील करते हैं और इसी के साथ ये
पार्ट यहीं पे खत्म होती है। अब आगे क्या होता है ये जानना है तो मैंने बोनस पार्ट पहले ही बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।